पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हावड़ा में एक 37 साल के होटल मालिक की मौत पर विवाद खड़ा हो गया है। रविवार देर रात सुमित नाहा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके परिवार का आरोप है कि तृणमूल के कार्यकर्ता दीपक साहू ने सुमित को फोन पर धमकी दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हुई। बताया जा रहा है कि 20 जून को सुमित के होटल में दीपक साहू पहुंचे और वहां मैनेजर के साथ झगड़ा किया। दीपक साहू होटल के खास कमरे की मांग कर रहे थे, जिसमें वो अक्सर अपने दोस्तों को पार्टी देते थे, लेकिन होटल मैनेजर ने कमरा देने से मना कर दिया, जिसके बाद दीपक ने आशीष को बेरहमी से पीटा। इसकी तस्वीरें सीसीटीवी में हैं। 21 तारीख को मैनेजर आशीष मन्ना ने शिकायत पुलिस में दी। जब इस बारे में दीपक को पता चला तो उन्होंने होटल के मालिक सुमित नाहा को फोन कर शिकायत वापस लेने के लिए धमकी दी। तृणमूल इस मामले से पल्ला झाड़ रही है।